देश में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी कल शाम 6:30 बजे सभी राज्यपालों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी इसमें शामिल होंगे। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे और महामारी के खिलाफ नई तैयारियों के बारे में देश को आज जानकारी देगी सरकार। शाम 4 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन पर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख का बयान, कहा एक दो दिन में बड़ा फैसला ले सकते हैं। कोरोना चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन जरूरी है। महाराष्ट्र में ज्यादा मामले तो केंद्र सरकार कम क्यों दे रही है वैक्सीन। महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाने के लिए आज जारी हो सकती है नई गाइडलाइन। सूत्रों के मुताबिक कल से लग सकता है राज्य में 14 दिनों का लॉकडाउन। महाराष्ट्र में सख्त पाबंदियों के बाद भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 51,751 नए मामले, 258 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा टली। अब 10वीं की परीक्षा जून और 12वीं की परीक्षा मई में होगी। बढ़ते कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया। मुंबई में बढ़ते कोरोना के खतरे के बाद भी दादर जैसे इलाकों में कम नहीं हो रही भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग नियम की लोग धज्जियां उड़ा रहे। दिल्ली में लगातार रिकॉर्ड तोड़ता कोरोना, एक दिन में अब 11,491 नए संक्रमित लोग मिले। 72 और मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में रोज बढ़ते कोरोना मामलों के बाद भी बेपरवाह है कहीं लोग और दुकानदार। करोलबाग में सोमवार के वीकली बाजार में भारी भीड़ दिखी। दिल्ली सरकार ने 14 निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल घोषित किया। इनमें 3,202 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व होंगे। आईसीयू बेड की संख्या 1135 होगी। बेड की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया। दिल्ली के 4 बड़े सरकारी अस्पताल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी, बुराड़ी और अंबेडकर नगर अस्पताल और दीपचंद बंधु अस्पताल भी कोरोना डेडिकेटेड घोषित किए गए। यूपी में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। 24 घंटे में 13,685 नए केस सामने आए। 72 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज धर्मगुरुओं से बात करेंगे। त्योहार और पर्व के दौरान लोगों से सहयोग करने की अपील के लिए धर्मगुरुओं से कहेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का ऐलान। जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी। ऐसी सेवाओं से जुड़े लोगों को आने जाने की छूट रहेगी। हरियाणा में अगले आदेश तक रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू। 18 मंडियों में गेहूं खरीद पर 24 घंटे की रोक भी लगी। गुजरात में 30 अप्रैल तक सभी धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक। सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शादी में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति। निजी और सरकारी ऑफिस में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। गुजरात, राजस्थान और पंजाब में सरकार की पाबंदियों के बावजूद कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कुछ और नए सख्त कदम उठाने पर राज्य सरकारों का विचार। दक्षिण भारत में भी बढ़ता कोरोना का संक्रमण। कर्नाटक में 9,500 से ज्यादा, तमिलनाडु में 6,700 से ज्यादा और आंध्र प्रदेश में 3,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले। 2 घंटे से कम वाली घरेलू हवाई यात्रा में अब खाना नहीं मिलेगा। बढ़ते कोरोना की वजह से नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह फैसला लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली, मुंबई और यूपी समेत कई शहरों में सामने आ रही हैं पलायन की तस्वीरें। बाहरी राज्यों के मजदूर और लोग पूर्ण लॉकडाउन की आशंकाओं से घरों की ओर लौट रहे हैं। और अब वैक्सीन पर जानिए पूरा अपडेट। सूत्रों के मुताबिक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल को एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दे दी है। एसईसी के बाद अब डीसीजीआई वैक्सीन के इस्तेमाल पर फैसला करेगा। कोरोना के हालात पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा उम्र नहीं जरूरत के मुताबिक हो टीकाकरण। संक्रमण की स्थिति के आधार पर राज्यों को टीके की छूट मिले। सोनिया ने पीएम को लिखी चिट्ठी में कोरोना संकट की वजह से घर लौट रहे लोगों को सुविधाएं देने और इलाज से जुड़ी चीजों को जीएसटी मुक्त करने की भी मांग की। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा 18 दिन में कोरोना पर जीत की बात कही गई थी, घंटी बजवा दी, लाइट जलवा दी, लेकिन कोरोना बढ़ता गया। इवेंट बंद कीजिए, वैक्सीन दीजिए।
बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक, आज रात 8 बजे तक प्रचार नहीं कर पाएंगे। मुस्लिम एकजुटता और केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बयानों को लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। चुनाव आयोग की कार्रवाई के खिलाफ ममता आज दोपहर 12 बजे कोलकाता में गांधी मूर्ति पर धरना देंगी। टीएमसी ने कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया। दमदम की रैली में कल चुनाव आयोग पर बरसी ममता बनर्जी, बोली चुनाव आयोग से अनुरोध करती हूं केवल बीजेपी की नहीं सभी की सुने, चुनाव आयोग एक तरफा न बने। ममता की आज नादिया और उत्तर 24 परगना में 4 चुनावी रैलियां होनी थी, लेकिन चुनाव आयोग की रोक की वजह से वो आज ये रैलियां नहीं कर पाएंगे। बंगाल में 5वें चरण के लिए अमित शाह का धुआंधार प्रचार, आज दार्जिलिंग समेत 3 जगह रैली, इस्लामपुर विधानसभा में दोपहर का रोड शो भी है। सिलीगुड़ी के रोड शो में जनता से बोले अमित शाह, मतुआ समाज मेरे दिमाग में नहीं दिल में है। दीदी या माइनॉरिटी वाले को एक होने की बात कहती है, लेकिन मतुआ लोगों से वो ऐसी अपील नहीं करती। कालिंगपोंग में रोड शो करते हुए अमित शाह बोले, गोरखा समुदाय पर नहीं पड़ेगा एनआरसी की कोई असर, झूठ फैला रही है टीएमसी, भगवान ने गोरखा और बीजेपी को भाई भाई बनाकर भेजा है। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आज 3 रोड शो, दोपहर को पूर्वी बर्धमान जिले में 2 रोड शो करेंगे, शाम को नादिया में होगा रोड शो। बंगाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज 3 रैलियां, करीमपुर, स्वरूपनगर और मध्यग्राम विधानसभा सीटों पर वोट जुटाएंगे। उत्तर 24 परगना में रैली करते हुए पीएम मोदी का ममता पर नया निशाना, कहा मैं दीदी बोलता हूं तो ममता गुस्सा हो जाती हैं। आज बंगाल के हर घर में बच्चों ने दीदी दीदी बोलना शुरू कर दिया है। ममता ने प्रचार पर रोक लगने से पहले कूच बिहार के शीतलकुची में फायरिंग को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा बीजेपी के लोग कह रहे हैं 4 नहीं 8 गोली चलनी चाहिए, ऐसे नेताओं को जेल भेजना चाहिए। ममता ने गुजरात और उत्तर प्रदेश में खुलेआम लोगों की हत्या का आरोप लगाते हुए भी बीजेपी को घेरा, कहा बंगाल को हम गुजरात और यूपी नहीं बनने देंगे। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और पूर्वी वर्तमान में प्रचार की कमान संभालेंगे, 3 जनसभाएं करेंगे, नॉर्थ 24 परगना में रोड शो भी अभिषेक करेंगे। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा आज से संभालेंगे अपना पदभार, कल मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के कार्यकाल का आखिरी दिन था। जानिए कुछ और खबरें इसी तरह सुपर 100 में। वसूली कांड में सीबीआई ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को समन भेजकर कल पूछताछ के लिए बुलाया, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने लगाए हैं वसूली के आरोप। मुंबई के एंटीलिया केस के बतौर एनआईए आईजी निगरानी करने वाले अधिकारी अनिल शुक्ला का तबादला, 6 साल से एनआईए में थे अब दिल्ली पुलिस में करेंगे वापसी। दिल्ली में आज से रायसीना डायलॉग की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी, विदेश मंत्री दोपहर 2 बजे हिस्सा लेंगे। 16 अप्रैल तक चलने वाले इस संवाद में 50 देशों के कुल 150 स्पीकर्स शामिल होंगे। आज से 3 दिन के भारत दौरे पर फ्रांस के विदेश मंत्री ड्रियान, पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे, हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई बड़े मुद्दों पर बात होगी। बाबरी विध्वंस केस में फैसला सुनाने वाले विशेष सीबीआई कोर्ट के पूर्व जज सुरेंद्र यादव को योगी सरकार ने उप लोकायुक्त नियुक्त किया, आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बाबरी केस में बरी किया था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।